महाराष्ट्र की राजनीति में शह और मात का खेल जारी है। अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के कुछ दिनों के अंदर ही ऐसा दांव चला है जिससे चाचा शरद पवार और उनके समर्थक तिलमिला उठे हैं। भतीजे अजीत पवार ने अपने साथ बगावत करने वाले एनसीपी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिक विकास निधि आवंटित करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जूनियर पवार ने शिवसेना यानी शिंदे गुट के विधायकों को भी इसका फायदा पहुंचाया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायकों ने इस फंड आवंटन पर गड़बड़ी का दावा किया है। गौरतलब है अजीत पवार ने अनुपूरक मांग प्रावधान के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से अधिकांश एनसीपी और शिवसेना के बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए खर्च किए जाएंगे। एनसीपी के बागी विधायकों और शिंदे गुट और भाजपा के विधायकों को 25 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परियोजनाएं आवंटित की जा रही हैं। यह घटनाक्रम कई कारणों से दिलचस्प है। अजीत पवार के करीबी विधायकों को इस विकास निधि का अधिक आवंटन शरद पवार गुट के वफादार विधायकों को अपने खेमे में लाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। अजीत के साथ एनसीपी के 53 में से करीब 40 विधायक साथ बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फंड आवंटन पर शरद पवार गुट के राज्य एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा, मैं भी वित्त मंत्री था और मुझे आश्चर्य है कि अनुपूरक अनुदान का आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी धन मांग रहा है उसे आवंटित किया जा रहा है और सभी के सपने पूरे किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि शरद पवार गुट के करीबी अन्य एनसीपी विधायकों जैसे जितेंद्र आहवाड़ को पूरक अनुदान में कोई धनराशि नहीं मिली है, जबकि जयंत पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र इस्लामपुर में परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।